हेलो गाइस, तो कुछ एलवी शैडो के मामले में ईडी ने एक्शन लिया है और ऐसा एक्शन लिया है जिसे जान करके आप लोग के होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, ईडी ने एलवी शैडो के खिलाफ में वेनम केस के मामले में जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई थी जिसका नाम था गौरव गुप्ता और वो पीएफआई के मेंबर थे, उनके ऊपर ईडी ने अपना एक्शन लिया है और ईडी ने उनको लखनऊ में बातचीत करने के लिए बुलाया है। जी हां दोस्तों, ईडी ने गौरव गुप्ता को एक समन भेजा है जहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी और उनसे सबूत मांगा है कि आपके पास क्या सबूत है एलवी शैडो को लेकर के जो आपने एलवी पर ये केस किया था। लखनऊ से खबर है जहां अल्पेश यादव से जुड़ी बड़ी खबर। अल्पेश यादव केस में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। केस दर्ज कराने वाले को ईडी ने नोटिस भेजा है। पीएफए सदस्य गौरव गुप्ता को नोटिस भेजा गया है। ईडी सबूत के साथ गौरव गुप्ता को ईडी ने बुलाया है। 14 मई को गौरव को लखनऊ ईडी दफ्तर में पेश होने को कहा गया है। लखनऊ के दफ्तर में पेश होने के लिए गौरव को कहा गया है। हालांकि गौरव ने इसे मना कर दिया है, सुरक्षा कारणों की वजह से पेश न होने का हवाला दिया है। दिल्ली ईडी दफ्तर में ही बयान दर्ज कराने की मांग की गई है। जी हाँ दोस्तों, अब इस मामले पर एक्शन हो रहा है जहाँ पर गौरव गुप्ता को ईडी वालों ने समन भेजा है उनसे बातचीत करने के लिए लखनऊ में। हालांकि यहाँ पर बड़ी खबर ये भी आ रही है कि गौरव गुप्ता ने सिक्योरिटी का हवाला देते हुए अपनी जान को खतरा बताते हुए उसने अपना बयान दिल्ली में ही दर्ज करवाने की बात कही है। जी हाँ दोस्तों, थी पूरी खबर जहाँ पर ऐसी खबर आ रही है कि एलवी शैडो के मामले में ईडी ने अपना एक्शन दिखाया है और ईडी ने गौरव गुप्ता के ऊपर अपना एक्शन दिखाया है, उनको समन भेज दिया है बातचीत करने के लिए। तो गाइस, ये थे पूरा अपडेट जो मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर एलवी शैडो के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पर एक्शन हुआ है गौरव गुप्ता के ऊपर जो कि पीएफए के साथ एक मेंबर हैं। अब इस पर आपका क्या रिएक्शन है, आप लोग गौरव गुप्ता के बारे में क्या कहना चाहोगे, आप लोग एलवी शैडो के बारे में क्या कहना चाहोगे, आप लोग आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।